एवरीवन, दिस इज रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो यूपी टेट का फर्स्ट पेपर हो चुका है और उसके हम क्या सब्जेक्ट के आंसर की डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो देख लें जा करके, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में मैंने वो आंसर कीज आपकी करवा दी हैं। तो अब इस वीडियो में हम करने वाले हैं अंग्रेजी सेक्शन की आंसर की, तो इसमें 30 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, हु आर द अर्लीस्ट नॉन इनहेबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, डायनासोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडवर्ब, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, अपेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट कंजक्शन। तो इसमें जो कंजक्शन होगा आपका वो होगा एज, फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें हो जाएगा, ये पूछा गया है, डेथ लेज हिज आईसी हैंड ऑन किंग्स। तो इसमें हो जाएगा पर्सनिफिकेशन, जब निर्जीव चीज़ों की तुलना सजीव से की जाती है तो उसमें होता है पर्सनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच, तो हिंदी में कहेंगे इसे मानवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द प्रॉपर सीक्वेंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग। तो इसका सीक्वेंस हो जाएगा हमारा पी आर क्यू एस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 66, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, इट इज बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव देन टू ट्राई टू गेट व्हाट इज नॉट योर्स। सेकंड ऑप्शन इसमें सही होगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें हो जाएगा हमारा हैवन सीन, क्योंकि ये बात का जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट टेंस है, तो इससे पहले ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रोनाउन, माय सन एंड माय डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर्स। ईच अदर आ जाएगा इसमें, थर्ड ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। तो मेटाफर का एग्जाम्पल हो जाएगा, इसमें होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, ही इज अ बिग डंकी। तो थर्ड जो है आपका ये है सिमिली का एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 70 क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज, तो ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो इसका हो जाएगा डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इन टू अ डायरेक्ट सेंटेंस। इसमें फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमसे डायरेक्ट पूछा है, डायरेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट इसका ऑलरेडी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इडियम टू रिंग वंस ऑन बेल मींस, क्या है इसका, टू इंडल्ज इन सेल्फ प्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मिसस्पेल्ड। तो किसकी स्पेलिंग गलत है इसमें, ये है गवर्नेंस की, तो गवर्नेंस की एन के बाद ए आ जाएगा तब सही होगा। पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड, तो सिनोनिम इसका हो जाएगा मेक थिन, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 76, पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजक्शन। तो इसमें कंजक्शन हमारा क्या है सही, नो सूनर के साथ क्या आएगा हमारा, देन आएगा, तो नो सूनर हैड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, नो सूनर के बाद क्या आता है, देन आता है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पिक आउट द सुटेबल एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जुडिशियस का एंटोनिम क्या होगा, इम्प्रूडेंट, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन पैसेज पर आधारित हैं, आंसर देख लेते हैं इनके पास। वट डज एनकोर मीन, मतलब एनकोर का क्या मीनिंग है, तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन वंस मोर। वट डिड किम डू इन द एंड, तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, स्माइल्ड एंड डिसअपियर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सेंचुरी डिनोट। तो सेंचुरी हो जाएगा अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, तो 100 ईयर्स का जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं सेंचुरी। व्हाट इज द मैजिशियंस नेम, तो ये हो जाएगा इसमें किरण राठौड़, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड, ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, एस्टोनिस्ड। What is the meaning of spontaneous? Spontaneous का मतलब होगा happening suddenly. What is a van? इसका मतलब होगा stick. Option number 4 सही होगा. What is the meaning of hopping? इसका आंसर हो जाएगा jumping. Next question है, the meaning of the idiom to put out is? ये हो जाएगा extinguish.
नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटेंस दिस इज द हाउस इज विच आई वॉज बोर्न इज, तो ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्योंकि इसमें विच का प्रयोग हुआ है, तो इसमें क्योंकि कंजक्शन का यूज हुआ है इसलिए हमारा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक द ऑब्जेक्शन वाज मेट आउट, और फिल इन द ब्लैंक से दिया हुआ है फिर है द लॉयर, तो इसमें हो जाएगा बाय द लॉयर, सेकेंड ऑप्शन इसमें हमारा सही उत्तर होगा। और 89 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम, तो ये हो जाएगा हैविंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस, तो ये जो हमारे सेंटेंस हैं अलग अलग दिए हुए हैं सिंपल सेंटेंस, हमें इसका बनाना है। इसमें हमारा लास्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, द कॉफी इजंट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक। तो ये थे हमारे इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। पेपर 2 की आंसर की भी इस चैनल पर आपको अपलोड की जाएगी, तो कम समय में आंसर की देखने के लिए चैनल से जरूर जुड़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।